दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी को उन्हीं मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाए हुए है जहां पर वे सबसे ज्यादा मजबूत है। बिजली हाफ पानी माफ के मुद्दे पर शीला दीक्षित ने केजरीवाल सरकार पर आक्रामक हमला बोला है। शीला दीक्षित के मुताबिक बिजली के रेट आधे होने के बावजूद लोगों के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं और फ्री पानी मुहैया कराने के वादे पर भी सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। और पानी हम फ्री देंगे, याद है आपको, और इस शहर के सब नागरिक गुमराह हो गए थे और सबने सोचा था कि हमको जब बिजली और पानी फ्री, हमारा बिजली और पानी जब फ्री करना तो उसी पार्टी को हमें वोट करना चाहिए। यही कारण था कि वो सत्ता में आए, लेकिन वही अब कारण बन रहा है कि वो भविष्य में सत्ता में नहीं आए। कांग्रेस ने दावा किया है कि पूरे देश भर में दिल्ली में बिजली के फिक्स चार्ज सबसे ज्यादा हैं। कांग्रेस के मुताबिक 8% का फ्यूल सरचार्ज और पेंशन सरचार्ज के नाम पर लोगों की जेब काटी जा रही है। बिजली वितरण कंपनियों को करोड़ों की रकम सब्सिडी के तौर पर देने पर भी कांग्रेस ने केजरीवाल को शंकाओं के घेरे में खड़ा किया है। बिजली और पानी के मुद्दे सहित कांग्रेस ने स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और प्रदूषण के मसले पर भी केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। शीला दीक्षित ने ममता बनर्जी के दिल्ली में होने वाले धरने में शामिल होने के सवाल पर कहा कि उन्हें आम आदमी पार्टी की ओर से अभी कोई न्योता नहीं मिला है। पीएम मोदी पर केजरीवाल के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होने के बयान पर भी शीला ने इसे केजरीवाल की नाकामी बताया है। दिल्ली के सीएम ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री है भारत के वो बर्ताव ऐसा कर रहे हैं पाकिस्तान के जैसे प्रधानमंत्री। देखिए क्या केजरीवाल जी घबरा गए हैं। करीब करीब कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर आखिरी फैसला ले चुकी है, लिहाजा आने वाले दिनों में शीला दीक्षित केजरीवाल की सरकार पर और ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार करेगी। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से तरुण कालरा की रिपोर्ट।